वालों, टीवीएफ के तरफ से और एक सीरीज आ चुकी है, कोटा फैक्ट्री सीजन 3। अगर आप लोगों ने कोटा फैक्ट्री के पहले के सीजन देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कितनी बेहतरीन सीरीज है। बाकी ऑलमोस्ट 3 साल बाद कोटा फैक्ट्री का सीजन 3 देखने के लिए मिल रहा है, तो पहले ट्रेलर को देखते हैं। मुझे लगता है कि हमें सक्सेसफुल सिलेक्शंस के साथ साथ सक्सेसफुल प्रिपरेशन को भी सेलिब्रेट करना चाहिए, जीत की तैयारी नहीं। तैयारी लग रहा है ये भी ब्लैक एंड व्हाइट है। ही जीत है भाई। राइट, तैयारी ही जीत है। तो दोस्तों, ये है कोटा के बेस्ट टीचर जीतू भैया। हाँ या ना, कुछ बोल भाई। हाँ या। जीतू भैया क्यों, जीतू सर क्यों नहीं? मैम, क्या है, कोटा में बच्चों के लिए सब कुछ होता है, पर ये लोग सिर्फ जेई एस्पिरेंट्स नहीं हैं। हम लोग भूल जाते हैं, लोग 15-16 साल के बच्चे हैं। दुनिया भर के इन्फैचुएशंस हैं, सिक्योरिटीज हैं। टीचर डांट दे तो डीमोटिवेट हो जाते हैं, दोस्त ने कुछ कह दिया तो वो इनको बुरा लग जाता है। हर चीज़ सीरियसली लेते हैं लोग। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ है, जीतू सर नहीं ले पाएंगे। स्टूडेंट्स के साथ जेई का एग्जाम दो और टॉप 1% में आओ। चलो ठीक है, मान लिया। ठीक है, नहीं 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 नहीं, इससे भी आपका एडमिशन नहीं होगा। उसके साथ आपको बोर्ड में 75% लाने होंगे। ये कैसा 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन है बे इनका? हमसे तो डीपी भी नहीं हो पा रही है, टेस्ट सीरीज तो बहुत दूर की बात है अभी। बिना तैयारी के अगर उतरे और तुझे बताएगा कौन कि तू तैयार है? अरे फायदा तो तब होगा जब तुझे तेरा सत्य पता चलेगा। टेस्ट सीरीज का कॉम्पिटिशन बताएगा कि कहाँ स्टैंड करते हो, क्या रैंक आ रही है। आपको पता तो है कोटा फैक्ट्री बन चुका है, जहां पहले धीरे धीरे तराश कर बच्चों को काबिल बनाया जाता था, वहां मास प्रोडक्शन लग गई है। अलग अलग फैक्ट्री में रेस लगी हुई है। एंड ऑफ द ईयर हमें भी तो रैंक से दिखाने पड़ेंगे ना, मैटर तो हमारे लिए भी रिजल्ट ही करेगा। आईआईटी में नहीं हुआ सिलेक्शन तो क्या करेगा, पहाड़ में जाए? क्या फालतू का ड्रामा लगा रखा है? पार्टी पार्टी पार्टी, मिंकू का सिलेक्शन हुआ है, मेरा नहीं, उससे जाके मांगो ना पार्टी। एक आखिरी बार जोर लगा दो और एडवांस में तोड़ फोड़ मचा दो। सर, मेरे लिए हर स्टूडेंट मैटर करता है, वो रैंक ला के दे या ना दे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता सर। मैंने एमर्स खोला इसी फिलोसफी पे और इसी फिलोसफी पे चलाऊंगा। ड्रीम नहीं, एम बोलो। ड्रीम बस देखे जाते हैं, एम अचीव किया जाता है। टीवीएफ वाले क्या ही बनाते हैं गाइस। एस्पिरेंट्स ले लो, पंचायत अभी भी रिलीज हुई थी, अब कोटा फैक्ट्री। इमोशन आप लोगों को इसकी स्टोरी एक नंबर, इमोशन भी अच्छा बनाते हैं उन लोग यार। बाकी सीरीज रिलीज हो रही है 20 जून को, जो कि इसी मंथ है। अगर आप लोगों ने अभी तक कोटा फैक्ट्री का पहले के सीजन्स नहीं देखे हैं तो देख लेना। बाकी सीरीज बेहतरीन है, आप लोग एक बार जरूर देख लेना। इसके पहले के सीजन अगर नहीं देखे होगे तो अभी तक देख लेना।